हाय फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में देखने जा रहे हो अ वेरी यूनिक स्टाइल ऑफ ड्रेपिंग। द ड्रेप इज कॉल्ड अ मरमेड स्टाइल ऑफ ड्रेपिंग। साड़ी पहनने की शुरुआत बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे कि हम नॉर्मली साड़ी पहनते वक्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम बेसिक साड़ी पहनते वक्त अपनी साड़ी की शुरुआत करते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पर साड़ी पहन ली है। यहाँ तक आपने वैसे ही साड़ी पहननी है। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए हमें क्या करना है। बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, इस साड़ी को पहनना बहुत ही आसान है। एक बार अगर आप अच्छी तरह से देख लोगे तो फिर आप बहुत ही आसानी से इसे पहन पाओगे। तो यहाँ लगभग एक हाथ जितना फैब्रिक हमने सामने की प्लीट्स के लिए छोड़ दिया है, और अब हम अपना आंचल बनाएंगे। तो आंचल बनाने के लिए हमें साड़ी को पीछे की तरफ से घुमाकर सामने की तरफ ले आना है, और उसके बाद यहाँ हमने बहुत ही कम चौड़ी प्लीट्स बना लेनी है। तो मैं अपनी आंचल की प्लीट्स को अच्छी तरह से सेट करने के लिए बहुत ज्यादा पिन्स का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ अपने क्लचर की हेल्प ले रही हूँ। अगर आपके पास पेग्स वगैरह हैं जो कि स्पेशली साड़ी के लिए ही कस्टमाइज्ड किए होते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते फ्रेंड्स, हैं। मैं अपने हर वीडियो में यही कहती हूँ कि सेफ्टी पिन्स का इस्तेमाल साड़ियों के लिए बहुत ज्यादा ना करें। जितनी जरूरत हो उतनी ही यूज करें, बाकी कोशिश करें कि इतनी ज्यादा इस्तेमाल ना करनी पड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा सेफ्टी पिन्स के इस्तेमाल से हमारी साड़ियाँ खराब हो जाती हैं। क्योंकि साड़ी चाहे महंगी हो या सस्ती, हम उन्हें बहुत प्यार से लेते हैं, और बहुत ज्यादा सेफ्टी पिन्स अगर आप रोज रोज उसमें लगाते रहोगे तो साड़ियाँ बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पर अपनी प्लीट्स कंप्लीट कर ली हैं, और उसे किस तरह से घुमाते हुए मैंने अपने राइट शोल्डर के ऊपर रख लिया है। और यहाँ पर जरूरत पड़ेगी हमें एक पिन लगाने की, तो अपने ब्लाउज को साथ लेते हुए पिन के साथ अपने आंचल के इस पल्लू को अच्छी तरह से सिक्योर कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपनी सामने की प्लीट्स बना लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक हाथ जितना फैब्रिक जो हमने छोड़ा था ना, उसे हमें एक साथ पकड़ना है। एक साथ पकड़ते हुए हमें बॉक्स प्लीट्स बनानी है। फ्रेंड्स, अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को वापस से थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, आप बहुत ही आराम से समझ जाओगे। तो इस तरह से हमें प्लीट्स बनानी है, इसे हम बॉक्स प्लीट्स कहते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से ये प्लीट्स बन जाती है। तो इसे इस तरह से बनाते हुए अगर आप चाहें तो पिन लगाइए, वरना बिना पिन के भी ये बहुत अच्छी तरह से सेट रहती है। और अब अपने आंचल के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से को इस तरह से पीछे की तरफ खींचते हुए अपने पीछे वाला जो आंचल का जो पल्लू है उसके अंदर से, उसके नीचे की तरफ से खींचते हुए सामने की तरफ लेकर आना है। देखिए प्लीट्स के ऊपर से जाते हुए बिल्कुल इस तरफ कॉर्नर तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आपको पेटीकोट को साथ लेते हुए पिन के साथ बहुत ही अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना है। फ्रेंड्स, इस तरह की साड़ी पहनकर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि एक तो साइड में कमर के पास से बिल्कुल भी स्किन विजिबल नहीं होती है। अगर आप डांस वगैरह करने के शौकीन हो तो बहुत ही आराम से निश्चिंत होकर डांस कर सकते हो। साथ ही साथ आप इसमें बहुत ज्यादा स्टाइलिश, बहुत ज्यादा फैशनेबल लगते हो, और ये साड़ी पहनना बहुत ज्यादा आसान भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।